हेलो दोस्तों, फिर आज आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर वही हैवी के अंदर नो लाइसेंस रिक्वायर्ड वाली देख सकते लिखा हुआ है, और जो बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी भैया कुछ हैवी के अंदर दिखाओ, प्रेशर वाली दिखाओ, तो उनके लिए खास मैंने ये दो एक साथ बना रहा हूँ, जिसमें एक वुडन और एक मेटल दोनों मिलेगा। हमारे पास हर चीज़ के अंदर डबल टू इन वन मिलता है, जिसके अंदर एक मेटल भी होता है और एक वुडन भी होता है। तो आप देख सकते हैं ये बॉन्ड टारगेट है, इस एयर गन का नाम है बॉन्ड टारगेट एयर पिस्टल। ये सब हैवी के अंदर आता है, हल्के रेंज में नहीं है, याद रखना है ना। और रेंज ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए हम रेंज रिवील नहीं करते, हम व्हाट्सअप पर बताते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर पूरा डिटेल डली हुई रहती है, और जिस किसी भाई को लेने का रहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे कॉल कर सकता है और बात कर सकता है। तो चलो हम अभी इसको अनबॉक्सिंग करके आपको बताते हैं कि ये कैसा चीज़ है, कैसी है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आधा तो अनबॉक्सिंग कर ही रखा है, तो आप देख सकते हैं। और ये मैं भी इसको पूरा आपको थैली हटा के बता ही देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, बॉन्ड टारगेट बोलते हैं इसको, ये बॉन्ड टारगेट है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पीस रहता है, और इसकी फिनिशिंग बोले तो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, और इसमें स्कोप भी लगा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। पूरा सिस्टम वाइज रहता है ये, और इसमें ये हाथ में पकड़ने में भी एकदम स्मूथली, एकदम हाथ के अंदर भी एकदम वो रहता है, सिस्टम के हिसाब से रहता है। और ये साइज़ में भी अच्छा खासा है लंबा, और इसमें आप देख सकते हैं एकदम टारगेट भी एकदम फिट करने के लिए एकदम स्पेस एकदम एक्यूरेट दिया हुआ है, और यूज़ करने में प्रेशर के मामले में भी ज़बरदस्त रहता है। तो हम इसको अभी यूज़ करके आपको चला के दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं चला के, ये ऐसे इसको लोड किया जाता है, और लोड करने के बाद इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल पैलेट लगता है, और ये ऐसे फोल्ड करके, पूरा एकदम फोल्ड करके इसको यूज़ किया जाता है। ये देख सकते हैं आप एकदम ही स्मूथली तरीके से, और इसको फिर ऐसे स्टेप करते हैं और फिर इसको चला के दिखाते हैं आपको। देखो आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा शानदार प्रेशर रहता है, और एकदम खूबसूरत एकदम वेरिएंट के अंदर रहता है। और अभी इसका एक और मॉडल रहता है जो आप देख सकते हैं, इसके आगे जो रहता है ये साइलेंसर टाइप रहता है नोज़ल, जिसको अपन कहते हैं। ये देख सकते हैं एकदम नोज़ल की तरह रहता है, और पकड़ने में भी मजबूत एकदम, और मेटल का रहता है, फुल हैवी रहता है, मतलब कहने का मतलब ये फुल हैवी है, प्रेशर भी एकदम जानदार रहता है। और इसका दूसरा वेरिएंट है वो आप देख सकते हैं वुडन के अंदर, ये भी हम अनबॉक्सिंग करते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं वुडन के अंदर बहुत ही खूबसूरत है वुडन में भी, और इसका जो ये है देख सकते हैं इसमें पूरी फिनिशिंग वाला है वुडन भी इसका। हमारे पास जितनी भी गन मिलेंगी आपको सब फिनिशिंग वाली मिलेंगी, और सब बॉन्ड टारगेट है। वैसे तो ये लाइन बड़े साइज़ के अंदर आती है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये दो मॉडल मिलते हैं हमारे पास, जो वुडन में भी है और मेटल में भी है। और वही बात कर रहे थे इसके पकड़ने की, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आता है ये हाथ में, एकदम यूज़ करने के लिए अंदर भी बहुत ही स्मूथली है। और आप देख सकते हैं ये स्कोप की बात रही तो स्कोप भी ये मजबूत रहता है, एकदम फिनिशिंग के साथ आता है ये। और इसको भी देखते हैं हम लोड करके, अभी हमारे को लोड करके हम देखते हैं कि इसमें इसका क्या प्रेशर रहता है तो दोनों सेम ही पर फ़र्क रहता है फिर भी वुडन और मेटल के अंदर, और वही सिंगल पैलेट वाला सिस्टम है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, और वही स्कोप लगा हुआ है, और इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे यूज़ करने का रहता है। और प्रेशर की बात रही तो ये देख सकते हैं आप साउंड, ये मेटल से ज़्यादा वुडन के अंदर साउंड कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेटल से ज़्यादा मेरे को ऐसा डाउट होता है कि वुडन के अंदर साउंड करता है, देख सकते हैं आप। और बात करें साइज़ की तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है ये देख। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अभी हम देखेंगे दूसरी वीडियो के अंदर कोई अच्छी चीज़ें, ठीक है। आज तक के लिए खुदा।